आज जो कार्गो लेके जा रहा हूँ उसके लिए मुझे कंपनी ने ये ट्रक दिया है, ये ब्लू कलर का है। और वैसे मुझे कमेंट्स के अंदर बताना ये किस किस को इस लुक वाला ट्रक अच्छा लगता है। और ये हम आज लेके जा रहे हैं कूड़ेदान, कूड़ा जो इसके अंदर हम लोग फेंकते हैं वो है इतने ज़्यादा। वैसे है ये छोटे वाले, बड़े वाले कूड़ेदान नहीं है, 1 2 3 4 5 है और पिछले में 3 है, तो 5 3 ओके 8 लेके जा रहा हूँ। और राइट स्टार्ट करते हैं अपने ट्रक को, पहले मैं तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। ओके अब लेकर चलते हैं इसको, काफ़ी लंबा सफ़र बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सफ़र ज़्यादा नहीं है, यहीं कहीं बस 250 के करीब है, 250 के करीब है किलोमीटर्स। और हम इसको लेकर चलते हैं। ओके 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 मैंने कम मोड़ा है, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। मुझे क्विक जॉब से ये होता है कि ना मुझे नए नए ट्रक्स चलाने को मिल रहे हैं, और जिन कार्गो को कभी मैं लेके नहीं गया हूँ तो उनको लेके जाने का भी मौका मिलता है। अगर मैं ख़ुद का अपना ट्रक लेके जाता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र ही बनता है वहाँ तक लेके जाने का भी, और फिर ढूँढना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है उसके बाद वहाँ से फिर चलना। तो मैं इसलिए अब क्विक जॉब में से लेता हूँ, उन्हीं का अपना ट्रक होता है और नए नए ट्रक भी चलाने को मिलते, नहीं तो मुझे ट्रक ख़रीदने पड़ेंगे क्योंकि मुझे नए नए ट्रक भी चलाने हैं ना, तो इसलिए मुझे ख़रीदने ही पड़ेंगे। ओके मेरा दरवाज़ा कहीं आने वाला है, हाँ वो रहा। अंदर बैठते हैं और सुकून से इंजॉय करते हैं अपनी राइड को। ओके पहला गियर लगाते हैं, पहले मैंने अभी इसका बड़ा गियर नहीं लगाया, चलो बड़ा लगा देते हैं, दूसरा लग गया। मुझे लगता है ये 2 4 6 8 ऐसे लगने वाले हैं। ओके पहले देखना पड़ेगा, हाँ हर दफ़ा मैं फिर दोबारा मैंने अपनी कुर्सी को ज़रा पीछे करना है यार, उसके बाद ज़रा ना यहाँ तक रखना है ये चीज़। ऑलराइट कितना को पीछे हो के तो बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे यार, इतना बुरा नहीं लग रहा और हर चीज़ क्लियर दिख रही है, और लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया हूँ तो चलते हैं थोड़ा सा ना, ओ पीछे आ गया हूँ, ज़्यादा आगे चलते हैं। ओके 4 से था 4 थोड़ा सा आगे कर लें क्योंकि हम खिड़की से पीछे चले गए हैं, तो अब चेक करते हैं। हाँ ठीक है अब ठीक है। ओके मुझे लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, इशारा लगा दूँ। ओके दूसरा गियर है तो दूसरे गियर की स्पीड गई है, मैं तो कुछ ज़्यादा पीछे होके बैठ गया हूँ, स्पीड भी नहीं दिख रही। चलो अपना मैप छोटा सा निकाल लेते हैं, उस पर सारा कोई दिखता है ये, और इसको हाइड कर देते हैं नीचे वाले को। बस गेम के 2 घंटे और 40 मिनट लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा देर तो नहीं लगनी गेम के 2 घंटे हैं हमारे लिए, तो मुझे लगता है 20 मिनट ही होंगे बड़ी मुश्किल से। ओ हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, हमने जाना है लेफ्ट, इशारा लगा दे, और हमारे लिए इशारा भी लगा हुआ है। ओके मुझे तो पीछे से भी बड़ा दिख रहा फिट फाट, और ये वाओ ये कोई कंपनी है, यहाँ कुछ होता ही नहीं यार, ऐसी ट्रक वाली गेम आए ना। ओके मैं अभी तक चला ही नहीं हूँ, चलो अंदर बैठते हैं, मुझे लगता है मेरे जाने तक तो इशारा लग जाना है। मैं मोड़ते मोड़ते किस जगह पे पहुंच गया हूँ। ओके अगला गियर लगाते हैं, हाँ ठीक है। ओके हम लाइन के ऊपर चढ़ गए, हमें भी सीधा जाना फिर आगे, अच्छा इस वाले कट से नहीं आगे वाले कट से हमने वो राइट साइड को मुड़ना है। हम्म
डम्पस्टर वैसे बहुत छोटे वाले हैं, मुझे वहाँ पे देख के ऐसे लगा था जैसे बड़े वाला है। मुझे लगा था जो दो है ना वो एक गिन रहा था उधर देखने से। ओके, मैं गियर तो बड़ा कर दिया लेकिन मैंने इसको ना वो इशारा तो लगाया नहीं था, मैंने आप लगा दिया, सॉरी हाँ। ओके ज़रा प्यार से टकराना नहीं चाहिए पीछे, मैंने तो लेफ्ट साइड वाला शीशे को देख रहा हूँ कि पीछे की तरफ कुछ हो ना जाए। ओके, अब मैं इधर देख लूँ, हाँ इधर से ही परफेक्ट है। ओके ओ थोड़ा सा इधर हो जाए, कोई नहीं पीछे से आ रहा। ओके हाँ हो गया, मैंने थोड़ा सा ना फोर्स को बढ़ा दिया है अभी अमेरिकन ट्रक के अंदर, के कैसा फील आता है। अभी यूरो के अंदर बढ़ाऊंगा लेकिन अभी अमेरिकन के अंदर बढ़ाया। ओके, अभी आखिरी गियर लगाने का टाइम तो नहीं आया लेकिन 120 की स्पीड से मैं जा सकता हूँ इस रोड पे। गाड़ियाँ पीछे से आ रही, उनके साथ टकरा ना जाऊँ। मैं 120 की स्पीड से जा सकता हूँ और मेरी स्पीड हो चुकी है फुल यूज़, और आखिरी गियर लगाते और ट्रक मेरे आके रोने देखना। ओके गियर क्यों नहीं लगा, ठीक है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, मुझे लग रहा है ये वाला जो ट्रक है ना ये दूसरे गियरों वाला है। मैंने लास्ट पे लास्ट वाला रखा हुआ था लेकिन इसके अंदर लास्ट वाला काम नहीं करने वाला, तो मुझे अब चेंज करना पड़ेगा इसके गियर को, जो के रहा ये वाला वापस मुझे लेके आना है। ठीक है अब मैं इसको लगा सकता हूँ, अब बाकी वाला गियर लग गया। इसके टोटल 10 गियर है, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, देख लेते हैं। स्पीड नीचे की तरफ शायद जा रही है, एक दफ़ा मैं इसको ना छोटा कर देता हूँ, एक दफ़ा स्पीड बढ़ जाए ना फिर दोबारा वापस लगाऊंगा गियर को। और वैसे भी जी मुझे लगता है ऊपर की तरफ हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अप साइड में हम जा रहे हैं, तो शायद इसलिए हो सकता है कि वो आखिरी वाला गियर ज़्यादा काम नहीं किया। 61 हो चुका है, इसके अंदर ना तीन के चार टाइप के गियर बॉक्स हैं जिसकी वजह से ना थोड़ा मैनेज ख़राब हो जाता है। किसी के अंदर पांच गियरों वाला सीन है, इसका पांच मतलब एक को छोड़ के अगला गियर जो लगना होता है ना वो, मतलब टोटल 10 गियर कुछ होते हैं, कुछ 12 वाला होता है, कुछ 18 वाला होता है। और ये क्या सीन है, इसने मुझे क्यों ब्रेक लगवाई यार, तो पहले यार ये पागल है ट्रक वाला, तो पहले लेफ्ट साइड से आके राइट साइड के आ गया। अब थोड़ा सा ना राइट साइड की तरफ देखा जाए, ओके पीछे से तो नहीं टकरा रहा। ओके अब गियर को बड़ा कर लूँ, ठीक है हमने सीधा ही जाना है। ओके हमारा ट्रेलर दो दो अटैच हैं तो काफ़ी लंबा हमारा ट्रक है। हमने तकरीबन 100 किलोमीटर करने वाले हैं जो हमने कर लिया हुआ है, बाकी 150 किलोमीटर के करीब हम पहुंच गए हैं। ओके, हमें चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो तो ये काफ़ी मिशंस के बाद वैसे ही आया है अमेरिकन ट्रक के अंदर, ये हमने चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो वेट लाजमी चेक करवाना के करवा के ही जाना पड़ता था। मेरे पीछे काफ़ी ट्रकों की लाइन क्यों है, काफ़ी लंबी लाइन है।
चल अंदर बैठते हैं, ये टकरा ही ना जाए किसी के साथ। यार लोग, मैंने यूट्यूब पे देखा था लोग यार बड़े मज़े से चलाते हैं ये उल्टा ट्रक, लेकिन मैंने कभी नहीं चलाया और मुझे अभी आता भी नहीं है। अगर मैं हर रोज़ ट्राई करूँ तो शायद आ भी जाए, लेकिन अभी नहीं आता। ओके मेरी स्पीड फुल हो चुकी है यूज़, तो मैं इसको ना आखिरी वाला गियर लगा दूँ इसके अंदर, एक मैं इसको सीधा कर लूँ। ऑलराइट ठीक है, अब मैं 105 पे जा सकता हूँ शायद। स्पीड लिखी तो हुई है लेकिन फिर भी ट्रक शक को नहीं जाते, बड़े लंबा सीधा रास्ता चाहिए होता है उसके बाद ये स्पीड पकड़ते हैं, इनके पीछे वज़न होता है ना। अगर तो हम खाली चलाएं तो फिर तो कलहदा बात है, लेकिन अगर पीछे वज़न हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको चलाना ना तेज़। जल्दी इसकी पिक तो होती नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनकी पिक कम होती है और इनके अंदर पावर ज़्यादा होती है। और ये क्या सीन है भाई। ऑलराइट टकरा ना जाओ। ओके ओ माय गॉड, हाउ मैं कर गया हूँ भाई। इधर मेरा ट्रक पूरा हिला है भाई। ओके मेरा किस तरह से रास्ता है, मैं जा पाऊँगा ना इधर से। ऑलराइट क्या मज़ा आ रहा है यार, मज़े भाई मज़े। हाय हाय बड़ी देर के बाद कोई अच्छा कुछ करने का मौका मिला है। ओके इस ट्रक को हुआ क्या, मतलब ये भी देखना भूल गया। ओ उसका ट्रेलर गिर गया नीचे। ओके ऑलराइट हो गया। और यार जो मेरे पहले गुजारा है ना यार, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है, एकदम ट्रक कैसे हिला है, लेकिन गुजर गया यार। काश इसके अंदर रिप्ले होता ना तो मैं इसके अंदर देखता है, अगर मोड भी हो तो, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। मुझे लगता नहीं है इसके अंदर मोड, अगर रीप्ले का मोड हो ना, छोटी सी एक फुटेज बनाई हो जैसे पता है कि मैं आगे गुजरने वाला बंदा, छोटा सा बटन दबा ले और छोटी सी वो ना बना ले कि दूसरे व्यू से भी गेम के अंदर वो, तो बड़ा यार मज़ा आ जाए यार देखने का कि मैंने ना किस तरह से निकाला था। चलो इसको ज़रा ना, एक बात बड़ी अच्छी एक्सीडेंट करने वालों की, इन्होंने थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है जहाँ से मैंने अपने आप गुजारना होता, और मैं राइट साइड की तरफ हो और लेफ्ट साइड की तरफ हो जाऊँ। ओके अब आखिरी गियर लगा लें, ओ अगला गियर लगा लें। काफ़ी ज़्यादा दिमाग है ना, चीज़ें चल रही होती हैं हैंडलिंग के ऊपर, तो मैं अल्फाज ही उल्टे बोल जाता हूँ, लफ्ज़ों को ना उल्टा बोल देता हूँ। ओके मैं अब ना नेक्स्ट वाला गियर लगा दूं, और मैंने इसको बंद नहीं किया इशारे को। वाह 100 किलोमीटर रह चुका है। मैं वैसे चाहता होता हूँ कि रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा ना एक्सीडेंट हुए हों, तभी ना मज़ा आएगा गुजरने का उनके अंदर से। ओके मैं दोनों शीशों को देख सकता हूँ, ये भी सही है। ओके मुझे काफ़ी स्पीड नहीं लग रही, मैंने अब इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। ये देखो स्पीड नीचे जाना शुरू हो गई है। ओके मैं अब इसको ऊपर की तरफ जाना है फिर, ठीक है। अभी रास्ते में बड़े कार्गो दिखते हैं जो अभी तक मैं लेके नहीं गया हूँ, तभी उनको भी लेके जाना, ट्रैक्टर शैक्टर और ट्रालियाँ श्रालियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मुझे लेके जाना, और अभी तक दिखती नहीं है। अभी तो मेरा आठवां गियर लगा और ऊपर की तरफ जा रहा था, जो उसकी अपनी खुद की जो स्पीड थी उस गियर की टॉप वो भी नीचे गिर गई, और मैं यहाँ पर सोच रहा था बड़ा गियर लगाने की। जिससे ज़्यादा स्पीड होनी थी वो कहाँ से बंदा लगाए, यहाँ पे तो जो लगा हुआ है उस पर नहीं चल पा रहा है।
ये देखो 40 पे जाकर रुक गई कि इससे भी नीचे जा रही है। ऑलराइट, लगाना ही पड़ेगा। ओके, अब पावर आ रही है वापस, मैंने छोटा गियर लगाया है तो। ओके, वापस फिर पकड़ रहा है। हाँ ठीक है, अब चल सकता है इस गियर पे। बड़े लोग पीछे से मेरे गुजर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं। मुझे बस एक बात बोली हुई है कि यूरो ट्रक के अंदर बहुत लंबा ट्रेलर है कि अमेरिकन ट्रक के अंदर, मैं हमेशा देखना ही भूल जाता हूँ। क्योंकि किसी एक के अंदर मुझे याद है कि ना तीन ट्रेलरों वाला ना होता था, मुझे याद ही नहीं है वो किसके अंदर है। और जो ये वाला मेरा ट्रक है ना, मुझे ऐसे इसकी जो जो बड़ा हुआ ना ये बोनट, इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे यार ये बहुत ही पावरफुल होगा। रियल लाइफ के अंदर मैंने उसकी हॉर्स पावर तो नहीं देखी हुई, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे ये ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो इनका ये इनका बोनट देखो कितना बड़ा आगे बड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये ट्रक बहुत ही बड़ा दिखता है। रियल के अंदर कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता है। ये पुलिस वाला खड़ा टकरा ही ना जाए मेरे साथ। पूरा ट्रक हिलता है वैसे जब मैं ज़्यादा थोड़ा सा अजीब तरीके से मोड़ता हूँ, और मुझे अब इस तरफ जाना है। ओके, यहाँ पे स्पीड कम रखनी के ज़्यादा। ओके, काफ़ी कम रखनी पड़ेगी ये स्पीड। ओके, मेरा ट्रक कहता है कि अरे वाह, मेरा स्टीयरिंग भी कहता है कि भाई ये हिल रहा है पीछे, ज़रा संभाल के। ओके, इशारों वाला सीन आ गया है तो हमारा 7 किलोमीटर आ गया, मतलब हमने हाईवे छोड़ के सिटी के अंदर एंट्री मार ली है। जैसे हम निकलते वक्त पहले इशारों को के अंदर से होके गुजरते हैं, वैसे अब सिटी के अंदर हमें जाना पड़ रहा है। देखो कितनी कंपनी जरा रही है, मुझे तो ज़्यादातर सिटी कम और कंपनियाँ ज़्यादा दिखती हैं, ये पता नहीं क्या सीन है। ऑलराइट, अब मुझे इशारा तो लगाने नहीं था। ओके, मैं अगला गियर लगा लूँ। उफ, झटका दिया इसने मुझे गियर बदलते हुए भी मेरे स्टीयरिंग व्हील ने। चलो चलते हैं यार येलो लाइन से। होली शिट, कितना नजदीक जाके ब्रेक लगी है यार, बहुत ही नज़दीक ब्रेक लगी है इसके। ओके, अंदर बैठते हैं, हमारा इशारा खुलेगा तो ज़रा गाड़ी को नहीं ठोकना, ये याद रखना है मुझे। हाँ जा रही है वो, एक तो है भी नितोशी, नीचे आ जाती है अभी मेरे। अभी नुक्कड़ में लिख के आना था कि आपको इतना डैमेज होगा ट्रक के अंदर। ओके, बस हमारा राइट साइड की तरफ वाला टर्न आ रहा है। ओके, हमारी जो गाड़ी थी जो नीचे आने वाली थी वो साइड पे चला गया। ये बंदा हमसे डर गया लगता है। अरे क्या बात है, वो इधर से उधर को गई, वो इधर से उधर को गया, मुझे लगा आपस में टकराने वाले हैं। ओके ठीक है, ये
ये गाड़ी वाला पागल है ना, कितना आगे लेके आ गया है। अरे वाह, मैं तो यार बड़ा परफेक्ट लेके आ रहा था, उसके ऊपर से गुजारा मैंने, लाइन के ऊपर से गुजारा, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ नहीं गया था मैं, ये शीशे की बात कर रहा मैं जो पीछे। ओके, मेरा टर्न आने वाला है इसके बाद, दिल कर रहा मैं इशारा तोड़ दूँ, लेकिन इंतज़ार करना बेहतर है। वो खुल गया। अरे नहीं यार, चर्च भी आ गया, घर भी आ गए, मुझे लगा था बस वो कंपनियां ही दिख रही है मुझे तो। और इशारा लग गया, लेकिन हम गुजर चुके हैं। ओके, थोड़ा सा इसको ना टर्न ले लिया जाए, हम तो इधर से आ रहे हैं तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, इतने इसके ऊपर इशारा नहीं होता। ओके, मैंने इस आगे करके मैंने इसलिए मोड़ा है कि कहीं पीछे से टकरा ना जाए। पीछे किलोमीटर ऐसे निकल रहे होते हैं, कोई मसला ही नहीं, और सिटी के अंदर आने के बाद किलोमीटर बहुत लंबे हो जाते हैं। ओके, हम पहुंचने वाले हैं, मेरा हर दफ़ा गियर मिस हो जाता है। इशारा लगा दिया जाए। ऑलराइट, मेरा भी इशारा नहीं खुला, लेकिन मैंने खड़ा कैसा किया ये चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके, हमने जाना है, हमने इशारा लगाया हुआ है ना? हाँ लगाया हुआ है। हमने जाना है लेफ्ट साइड पे, और कितना दूर है उधर से? अभी भी 3 किलोमीटर पड़ा हुआ है। ओके, खुल गया इशारा। यहाँ से रख के अब दिखाता हूँ क्यों मोड़ता होता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है अगर दो दो तीन तीन ट्रेलर हो ना, ज़रा दूर से रख के ही मोड़ना पड़ता है, क्योंकि बड़ा मसला बन जाता है। ये गाड़ी वाला आ रहा है, कहीं अंदर ही ना मार दे। ओके, अब मुड़ने का टाइम आ रहा है, और हम आ रही लगता है हम, हाँ ठीक है, हम फैक्ट्री के आसपास ही अब गोल घूम रहे हैं। ओके, एक और टर्न बस लेना, और उसके बाद फैक्ट्री के अंदर मैं भी स्टोर हो सकता है, मैं तो वैसे फैक्ट्री कहता रहता हूँ, लेकिन स्टोर भी हो सकता है। मैंने आखिरी गियर लगा दिया, वैसे लगाया क्यों, अभी तो मैंने रुक जाना है, बस यही ठीक है। ऑलराइट, ओके, अच्छा यहाँ से नहीं मुड़ना। ओके, आगे से मुड़ना है। और भी छोटा गियर कर लिया जाए। इशारा मुझे लगाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया। चलो अब थोड़ा सा बस रह गया है। ऑलराइट, ब्रेक लगाने का टाइम। हाँ, ओ ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो सीधा तो लगा देना, क्योंकि ब्रेक लगाने करने ब्लैक तो ब्लैक क्यों कह रहा हूँ, ब्रेक लगाने से ना वो मैं लगा ही नहीं सकता, उनको पता है मेरी औकात का, मैं लगा ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं क्यों जो ट्रक के अंदर लगवाते भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक लगाना कोई मजाक तो नहीं है, वो भी दो ट्रेलर अटैच हुए हों एक ही ट्रक के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं निकल के ज़रा देख लूँ। ओके, अभी ग्रीन नहीं हुआ।
ऑलराइट ठीक है। पता नहीं अब क्या करूं मैं। नहीं नहीं हो रहा, गलती एक दफ़ा कर दी, अब काम ख़राब हो गया। मैं भूल ही गया हुआ था कि काफ़ी देर से ना मैंने दो ट्रेलर नहीं चलाए, और मुझे भूल ही गया था कि मुझे कैसे खड़ा करना होता है इसको। चलो एनीवेज हम इंटर ही करते हैं, छोड़ो हमने लगा दी एक तरह से कह लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको कैसा मज़ा आया, कैसी लगी मेरी वीडियो, और मुझे सब्सक्राइब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।